नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। मेरे कई दर्शकों ने आग्रह किया कि मैं अपना अगला वीडियो नेचुरल गैस के मूवमेंट्स पर हिंदी में बनाऊं, तो आज मैंने 8 तारीख को ये डिसाइड किया कि मैं आज नेचुरल गैस पर हिंदी में अपने कमेंट्स दूंगा, जो कि आज जो मूवमेंट हो रही है नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल गैस अब कहां तक जाएगा या कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैंने जो नेचुरल गैस में अपना इंग्लिश में विश्लेषण दिया था, उसमें मैंने बताया था कि नेचुरल गैस मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, और मैंने ये ओपनिंग जोन्स बनाई थी, और आज नेचुरल गैस फ्यूचर्स CFD फ्यूचर्स यहाँ खुले इस गैप अप ओपनिंग जोन में, और उन्होंने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा। आइए देखते हैं इसको 4 घंटे के चार्ट में। तो अब करंटली वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, मैं अभी आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। और मैंने कल कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि गैप अप ओपनिंग हम देखते हैं मंडे के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स सेकंड रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा अप ट्रेंड जोन है जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं। तो वैसा ही हुआ, नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने मंडे को एक गैप अप ओपनिंग दी पहले ट्रेडिंग सत्र में, और पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, और अभी वो यहाँ ट्रेड कर रहा है। और मैंने जैसे पिछले अपने एनालिसिस में बताया था कि यदि यहाँ पर ये टेस्ट करता है तो वो क्यों करेगा, क्यों कोशिश होगी ऐसी, क्योंकि दोस्तों जब तेजी का माहौल होता है बाजार में और कुछ चीजें हमारे उस पर्टिकुलर कमोडिटी के फेवर में होती हैं, तो बुल्स इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में आ जाते हैं, जो कि इसमें नेचुरल गैस में हुआ। डॉलर 3.247 पर अत्यधिक बुल्स का प्रभाव है, जहां से बुल्स एक बहुत तेजी आते हैं, और वही हुआ कि एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने यहां तोड़ा फर्स्ट रेजिस्टेंस को, और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसी चार्ट को अब हम एक आज के लाइव चार्ट में देखते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स को। 4 घंटे का ये चार्ट है CFD फ्यूचर्स का। आप ये देखें कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़कर उन्हें सेकंड रेजिस्टेंस को टच किया है, और अब वो यहां वापस फर्स्ट के यहाँ कंट्री नेचुरल गैस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आने वाले 8 तारीख से 15 तारीख तक जो मौसम है वो नेचुरल गैस प्राइसेस को फेवर नहीं करेगा, नेचुरल गैस बुल्स के पक्ष में नहीं रहेगा। और मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे कुछ एग्जॉशन के साइन नजर आ रहे हैं, और जो कि अब नेचुरल गैस में एक तेज गिरावट ला सकते हैं। परंतु जो नेचुरल गैस का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर डॉलर 3.131 पर, वो काफी मजबूत लेवल है। यदि नेचुरल गैस ने नीचे मूव में इस स्तर को तोड़ा तो वो सेकंड स्तर को भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है, और अंततः डॉलर 3.027 पर उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आइए अब मैं, काफी सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं आपको CFD फ्यूचर्स क्यों समझा रहा हूँ, MCX फ्यूचर्स में क्यों नहीं समझा रहा। तो आइए मैं आपको आज MCX फ्यूचर्स में बताता हूँ कि आप कहाँ कमाई कर सकते हैं। तो ये MCX फ्यूचर्स का एक घंटे का चार्ट है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज गैप अप ओपन मिला था नेचुरल गैस फ्यूचर्स को, और उन्होंने कुछ देर कंसोलिडेट किया कुछ घंटे यहाँ पर, और फिर यहाँ 226 रुपए के लेवल पर, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट अप मूव लिया, और अब ये 243 रुपए 60 पैसे के स्तर पर चल रहा है। और यद्यपि सभी मूविंग एवरेजेस अभी ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसमें तेजी रह सकती है, परंतु मेरा मानना यह है कि जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स हैं वो अब एक ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ आने वाले दिनों में मौसम भी नेचुरल गैस बुल्स के पक्ष में नहीं रखता। तो यदि आप चाहें तो कुछ रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे बार बार ये 244.70 पैसे को ये रेट क्रॉस टच कर रहा है, तो यहाँ मैं कहूंगा कि 244 रुपए से 246 के बीच में आप इसको कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 250 रुपए का। और यदि आप यहीं शॉर्ट करते हैं तो आप स्टॉप लगा सकते हैं 246.80 पैसे का। मेरा मानना यह है कि अब ये एग्जॉशन मैं देख रहा हूँ एक घंटे के चार्ट में, और मुझे लगता है कि सारे मूविंग एवरेजेस फेवर में हैं, तब भी नेचुरल गैस बीयर्स यहाँ पर कोशिश करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स को नीचे ले जाने की। और पहला सपोर्ट जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिलेगा अगर गिरावट तेज हुई तो
221 के लेवल पर पहला सपोर्ट मैं देखता हूँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स का, दूसरा मुझे सपोर्ट नीचे की ओर लगता है 209.50 रुपए पर, और हो सकता है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज यानी 222 रुपए तक आने के बाद फिर से एक ऊपर की चाल दिखाए, परंतु फिर ये 237 रुपए के आसपास फिर से इसमें आप भारी सेलिंग देखेंगे। तो दोस्तों यही समय है कि आप थोड़ा रिस्क लेकर कुछ रिवार्ड भी ले सकते हैं। ये मेरा एक अपनी राय है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि वो इस राय को माने, वो अपना आकलन स्वयं करे, अपने लिए हुए रिस्क पर आप खुद जिम्मेवार होंगे, मैं किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं लेता। मेरा काम है अपना एनालिसिस बताना, अपना विश्लेषण बताना, इसलिए अपने सौदे का खुद ध्यान रखें। आप अगर इच्छुक हैं रिस्क लेने के तो जरूर लें, और मेरा मानना है कि 244.75 रुपए पर यदि आप शॉर्ट करते हैं तो 248.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, और यदि यहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स नीचे का रुख देखते हैं तो वो नीचे की गिरावट काफी तेज हो सकती है, और जो कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 222.50 रुपए तक लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ इन लेवल्स पर यानी 212 रुपए पर गिरावट के समय यदि गिरावट तेज होती है तो 209.35 रुपए से आप बाय करके चल सकते हैं, पहले जिसका स्टॉप लॉस होगा 206.25 रुपए यदि ये नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ तक आते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप दोनों साइड आप ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस में, MCX फ्यूचर्स में, क्योंकि मुझे यहाँ एग्जॉशन के साइन नजर आ रहे हैं, परंतु अभी आने वाले एक दो दिन में इन्वेंट्री आने वाली है जो कि मुझे लगता है कि बुल्स की थोड़ा फेवर कर सकती है, इसलिए सावधान रहें और उससे पहले ही नेचुरल गैस की पोजीशंस को स्केयर ऑफ करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार यदि बुलिश इन्वेंट्री आती है तो हो सकता है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लेवल से थोड़ा और ऊपर जाएं, परंतु यदि 250 रुपए का लेवल तोड़ने में वो कामयाब नहीं होते तो ये पक्का है कि गिरावट बहुत तेज मिलेगी आपको नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, क्योंकि टैरिफ ट्रेड वॉर जैसी कई विश्व लेवल पर बहुत सारी चिंताएं हैं। डॉलर बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है जिससे कच्चे तेल के दामों में भी बहुत दबाव पड़ रहा है, सोना भी गिर रहा है, सोने पर की कीमतों पर भी बढ़ते हुए डॉलर का बहुत दबाव है। तो दूसरी ओर चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स को कम किया है टैरिफ ट्रेड वॉर के चलते, जिससे कमोडिटीज में एक अनिश्चितता सी छा गई है। तो इसलिए दोस्तों सावधान रहें और अपना निर्णय सोच समझ कर रहें। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और उनसे कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस मिले और मैं अपने अपडेट्स MCX फ्यूचर्स पर हिंदी में रेगुलर बेसिस पर दे सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत से भारतीय दर्शकों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं रेगुलर हिंदी में अपने वीडियोस बनाऊं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसा करना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।